हेलो मॉमीज, वेलकम टू किड्स एजुकेशनल चैनल जोशी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का स्वर, बच्चों को कैसे लिखना सिखाएंगे। मेनली हम देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश के अल्फाबेट्स तो जल्दी ही सीख जाते हैं, बाकी हिंदी जब लिखना होता है तो थोड़ा परेशानी होती है। तो आज मैं बताऊंगी कि हिंदी लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। तो हिंदी लिखने से पहले हम स्वर सिखाएंगे, उसके बाद व्यंजन। तो इस वीडियो में मैं स्वर लिखना सिखाऊंगी, और स्वर लिखाने से भी पहले आप बच्चों को ओरल प्रैक्टिस कराएं, मतलब कि जो पिक्चर दिखा के अ से अनार, आ से आम, ऐसे करके जो वो देखना शुरू करेगा बच्चा, तो अपने आप वो लिखने का इंटरेस्ट जगेगा उसको। सो आइए लिखना शुरू करते हैं। अ, पहले हम अ लिखेंगे, पहले इन्वर्टेड कॉफ, उसके बाद और एक इन्वर्टेड कॉफ, उसको लेके ऊपर जाएंगे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद और एक स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन इस कर्व के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ, एक इन्वर्टेड कॉफ, उसके बाद और एक इन्वर्टेड कॉफ, उसको ऊपर लेग तक जाएंगे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, देन और एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद स्लीपिंग लाइन। ये हुआ आ। उसके बाद छोटी ई, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन छोटा सा, उसके बाद एस बनाएंगे, एस, उसके बाद ऐसे घुमाएंगे। ये हुआ ई। उसके बाद बड़ी, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, ऐसे एस करके ऐसे घुमाएं, उसके बाद ऊपर का ऐसे कर, ये हुआ बड़ी। उसके बाद ओ, छोटी ओ, एक इन्वर्टेड कर्व और एक इन्वर्टेड कर्व, उसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर का स्लीपिंग लाइन, ये हुआ ओ, देन स्लीपिंग लाइन और एक इन्वर्टेड कॉर्व, और एक इन्वर्टेड कॉर्व को ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे करेंगे, यह बड़ी ओ। उसके बाद री, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, और ऐसे बीच में दो स्लांटिंग लाइन, और ऐसे करके घुमा दें, ये हुआ री। उसके बाद ए, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक स्लांटिंग लाइन, देन और एक छोटा स्टैंडिंग लाइन, देन छोटा सा स्लांटिंग लाइन, ये हुआ ए। उसके बाद ए, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, देन ऐसे करेंगे और ऊपर का एक स्लांटिंग लाइन के कर्व बना देंगे, ये हुआ ए। उसके बाद ओ, एक इन्वर्टेड कर्व और एक इन्वर्टेड कर्व, उसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, ऊपर का एक ऐसे करेंगे, ये हुआ ओ। उसके बाद ओ, एक इन्वर्टेड कर्व, उसके बाद और एक इन्वर्टेड कर्व, उसको ऊपर लेके जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन, ऊपर का एक स्लीपिंग लाइन, देन दो ठो ऐसे करेंगे, उसके बाद अंग, ऐसे और जैसे बनाएंगे, ऊपर का एक बिंदी देंगे, उसके बाद अह, और जैसे करेंगे, पहले इन्वर्टेड कर्व और एक इन्वर्टेड कर्व, उसको ऊपर लेके जाएंगे, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर का स्लीपिंग लाइन, देन दो टू बिंदी देंगे। आप ऐसे करके सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी ही सीख जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।